जना मोदी सरकार बन जा माने कोई चीज का फायदा हो जा जी गरीब होया। अच्छा, हमारी सुने गरीब हमारी सुने बस। 10 साल से देखो आपके सामने जो है दिखाई दे रहा है रेलवे ट्रैक ये बनने लग रहा है, सड़कें चौड़ी बनेगी, सुधार हो रहा है शहर के अंदर। नमस्ते, आई एम रिचा द्विवेदी। बैलेट बस हैज अराइव्ड इन कुरुक्षेत्र हरियाणा। नाउ एज यू कैन सी बिहाइंड मी ट्रैक्टर्स हैव लाइंड अप, देयर आर अ नंबर ऑफ bikes that have lined up. A rally is about to take place. Now this rally is going to cover some 25-30 kilometers here and of various villages in this constituency. Naveen Jindal, who's the BJP candidate from here, he is going to be traveling with the rally, and then there are some programs in the village, various villages that he is going to address the people, and all of that is going to go on. So we are going to take you along one of these rallies. Let us see how the mood is, how the campaign is panning out. Let us try and talk with the people in the villages, and then we will present to you an overall picture of what really is going on and how are people really receiving campaigns of various political parties. So let's get started. आपका नाम? नितिन भारद्वाज, मैं नगर पार्षद हूँ वार्ड 31 सनेस्टर से। अच्छा नितिन भारद्वाज जी, मूड कैसा है पब्लिक में, क्या सोच रही है पब्लिक? एक्चुअल क्या है, मैं तो अपने वार्ड की बताता हूँ जहाँ मैंने खुद सर्वे किया, हर घर मोदी घर है, लोग साइलेंट बैठे हैं, जाके वोट देंगे मोदी जी को, और सारा शहर ही साइलेंट वेव चल रही है, उनको किससे मतलब नहीं है, उनको प्रधानमंत्री से मतलब है, उनको नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है और 412 सीटें दिलवानी अबकी बार। रामेश्वर दास जी ये बताइए कि क्या मूड है पब्लिक में? पब्लिक का मूड बहुत अच्छा है, मोदी जिताएंगे और जिंदल जी को खूब अच्छी वोटों से जिताएंगे, अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी। 10 साल से ये सीट बीजेपी के पास है, आप हमें कुछ बता सकते हैं कि कैसे क्या क्या काम हुए हैं यहाँ पे जो जनता आपके सपोर्ट में है? 10 साल से देखो आपके सामने जो है दिखाई दे रहा है रेलवे ट्रैक ये बनने लग रहा है, सड़कें चौड़ी बनेगी, सुधार हो रहा है शहर के अंदर, जगह जगह सीवरेज जो है अंडरग्राउंड होने लग रहा है, पानी मिलने लग रहा है, सब सुविधाएं मिल रही हैं, पेंशन मिल रही है, बुढ़ापा पेंशन मिल रही है, किसानों को 1,000 रुपया मिल रहा है, और क्या चाहिए, सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो खुशी है लोगों में कि खुशी है, ये देखो पब्लिक खुशी के लिए तो खड़ी है यहाँ पर इतनी। अच्छा, अपना नाम बताएं? राजेंद्र सिंह। यहाँ पे आप ये पूरे भाजपा के झंडे लगा के अपने टेम्पो में बैठे हैं, कैसा है सपोर्ट पार्टी के लिए? ठीक है, अच्छा है। भाजपा के लिए सपोर्ट दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है, है? हाँ जी। लोग निकल के आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ हम इस बार वापस जिताएंगे। हाँ जी, देखते हैं जब अनाउंसमेंट करते हैं ना। हाँ। सब निकल के देखते आते हैं, गाँव गाँव में जाते हैं हम डेली, और लोग आते हैं सपोर्ट में कि हाँ मतलब हम ठीक है। ये बताएं कि ये जो आप झंडे लगा के यहाँ कैंपेन में पार्टिसिपेट करने आए हो, क्या है आपके माइंड में? बहुत अच्छा लग रहा है जी, मैंने ठीक है सर। बस आपका क्या कहना है इस कैंपेन के बारे में, ये जो रैली निकाल रहे हैं 10 साल से कुरुक्षेत्र में बीजेपी है, क्या है आपका कहना है इस बारे में? देखो जी, मोदी जी ने काम किए हुए हैं जी, बहुत काम किए हुए हैं, जो मोदी जी के नाम से ये रैली निकलती हुई है जी, तो वोट भी मोदी जी पैणगी सारी। हाँ बिल्कुल जी, 80% 80% 90% 80% वोट पड़ेगी जी। हाँ जी हाँ जी, आप खुश हो, आपको लग रहा है यहाँ पे अच्छे से देश में अच्छे से काम हुआ है? हाँ हाँ बिल्कुल जी, अच्छा लग रहा है, जब भी तो आए हुए हैं और अच्छा। ऐसे थोड़ा आए हुए हैं जी, हाँ अच्छा लगता है जी। हाँ जी, मोदी ने काम बहुत किए हुए ने जी, सड़कों तो वधिया बनाती ने, देखो जी सिलेंडर नहीं मिलते, सिलेंडर मिलते ने, देखो जी कांग्रेस के राज सिलेंडर नहीं हम मिलते होंगे, हूँ देखो सारे सिलेंडर की कोई दिक्कत को नहीं, सिलेंडर घर आ जाते अपने आप जी, तो देखो जी सहूलत बहुत दी हुई हैं जी। देश को विकास की तरफ लेके जाना है जी, मोदी जी का साथ देना जी। ठीक है, साथ देने के लिए आप आए हुए हो यहाँ पे? और हाँ जी, फ्यूचर अच्छा बनाना है, यूथ को अच्छा करना है आगे, तो मोदी जी को वोट देना पड़ेगा जी। ठीक है, हाँ जी। We would like to. We have been covering your campaign since morning. How has it been so far? Can you tell us? Well, it's going on very well. You see, everywhere we go, we're getting a lot of, I would say,
appreciation, a lot of love and a lot of support from all the people around. And people are very keen to vote for BJP. People are very keen to vote for Mr. Modi. People are very keen to vote for Naveen Jindal also here. What is your role going to be in Modi 3.0 as the MP of Kurukshetra? You're very confident of winning. So if you happen to win, what are the big plans that you have? So I have lots of plans. I have my own manifesto for Kurukshetra, my own vision document that I want to achieve in the next 5-6 years. And amongst them, the main thing is to set up two vocational training institutes which will train 10,000 youth every year. And so that they can get employment in good companies, they can stand on their own feet, or if they want to go abroad, they'll have much better opportunities abroad also. So that is there. And then I want to do a lot for sports, for primary education, for the farmers. There's a whole lot of things that I want to do for my constituency, because this is my home. I've been connected with the people here for the last 50 years, and so has my family been connected. So I really love the people here, and the people love me. So I really want to do a lot of things for them, and obviously BJP also. What vision our Prime Minister has shown us of a developed country. There are a lot of a lot of good things for every section of a society. All right, thank you so much for talking to us. कौन जीतने वाला, क्या चांस लग रहा है इस बार? हम तो कहते हैं मोदी चलो जीत जाए, अच्छे काम कर रहा है सारे, आगे भी अच्छे करे, गरीबों की मदद करे। मन मदन है मोदी जीत ले, मन तो नहीं कह रहे ना, मोदी अपना, मोदी अपना। हाँ, हमारे को तो ये अभी मोदी इतनी स्कीम दे रहा है, ये राशन सस्ता दे रहा, जनो जे एक पछाणिया कर रहा मोदी कौन गरीब कौन जन उठा ले, हमारे को थोड़ा फायदा मतलब हो रहा है कि हो रहा है, राशन तो पहुंच रहा है। हां जी, बहुत पहुंच रहा, ते सुविधा भी हो रही। आयुष्मान भारत का फायदा आपको, मतलब आपको पता है किसी ने लिया है? हां जी, मैंने लिया है। आपने लिया है? अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने क्या मतलब किस टाइप की सर्विस थी, क्या था, आप गए थे? गोडे, गोडे मतलब घुटने के लिए, घुटने के लिए, ठीक है। और इलाज आपका मतलब हो गया? हाँ जी हो गया, बाकी आज चल नहीं रहे। अच्छा, चलेंगे मतलब आप अभी वॉक कर रहे हो? हाँ जी। तो उसमें बाकी जो वो था, पैसे वैसे लिए आपसे? नहीं, पैसे पैसे नहीं लिए, वो हो गया। So we have a couple of people here who have turned up to see the rally, and they have come out in support of the candidate. So these women told us their story, that they are receiving ration. They are quite happy about it. They say that grievances are being heard. Earlier that wasn't the case, but now whatever issues they have, the government at least is listening to them, and that is the reason why they are supporting Prime Minister Modi. We had another lady here who is a beneficiary of Ayushman Bharat scheme, and she said she got her knees treated, and she's hopeful that she will start walking comfortably in a couple of days. The whole treatment was free of cost thanks to the Ayushman Bharat scheme. So villagers here are pretty happy with the Modi government, and that is the reason why they feel that Modi 3.0 will soon become a reality. So let us talk to more people, let's see what is happening. Ka naam? Haan ji, Kuldeep Kaur. Kuldeep ji, yahan pe ye sab jo program chal raha tha, नवीन जिंदल यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो आए थे, ही इज अटेंडिंग, यहाँ पे आके वो सभा को उन्होंने संबोधित किया, सॉरी भी बोला कि बहुत देर आए, इन्फॉर्म नहीं किया गया था। सो व्हाट डू यू हैव टू, मतलब क्या बोलना चाहते हो आप पूरे कैंपेन के बारे में? बस यही बोलना चाहूँगी कि एक बार फिर से मतलब मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे काम किए, फिर एक बार फिर से मौका दिया जाए। धन्यवाद। ठीक है, और ये बताओ कि इधर गांव में मतलब अभी पिछले 10 साल से तो बीजेपी के कैंडिडेट, मतलब बीजेपी की सीट है कुरुक्षेत्र, अभी नवीन जिंदल जी नए प्रत्याशी हैं, बट पहले भी एमपी रह चुके हैं, यहाँ पे गाँव में क्या क्या काम हुआ है या क्या बदला है पिछले 10 सालों में, आप थोड़ा बता सकते? मतलब मैं पिछले साल, वैसे 5 साल से मैं पंचायत मेंबर रह चुकी है पहले, हमारे यहाँ मतलब गलियों में बहुत अच्छा काम हुआ है, गलियाँ बनवा ली, नालियाँ बनवा दी, और लाइटिंग अभी अभी मतलब हुई है, बहुत अच्छा काम तो अच्छा हुआ है इस बार। सड़कें वगैरह पक्की हैं? हाँ, ऑलमोस्ट सारी हैं अभी, मतलब हाँ। तो लोगों को आराम आ रहा है? नहीं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब बेहतर है, काफ़ी
पहले तो मतलब गंदे सी नालियाँ और गंदे से मतलब ये गलियाँ वगैरह सब ये ना कच्ची सी, और अभी मतलब बहुत ज्यादा सुधार है। लाइटिंग भी हो गई है सभी गांव में, सभी अच्छी लाइटिंग हो गई है। बैलेट बज इज इन कुरुक्षेत्र एंड वी सिंस मॉर्निंग हैव बीन कवरिंग नवीन जिंदल्स कैंपेन। नाउ वी जस्ट स्पोक टू हिम एंड ही टोल्ड अस हिज प्लान्स, व्हाट ही प्लान्स टू डू इन मोदी 3.0 एज पार्ट ऑफ मोदी 3.0 फॉर कुरुक्षेत्र। सो एंड ऑल्सो वी स्पोक टू अ नंबर ऑफ पीपल हियर एंड ऑल ऑफ देम शेयर्ड देयर थॉट्स, व्हाट दे फील अबाउट हिज कैंपेन एंड व्हाट दे फील ओवरऑल इज द पिक्चर दैट इज टर्निंग आउट टू बी। एंड इट लुक्स लाइक द बीजेपी is faring very well in this constituency. For the last 10 years, this has been a BJP seat, and it won't be a surprise if the party is retaining this seat once again. So this is what the mood on the ground is as of now. So from here, we are heading to another constituency, Ambala. So stay with Ballot Buzz, keep following NIJ, and we will see you in Ambala.